एक और इतिहास के नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लक्ष्मण 14 साल के वनवास में क्यों नहीं सोए थे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए वीडियो की ओर। रामायण में पत्नी की रक्षा के लिए महाबली पर चढ़ी स्त्री तिथियों की शक्ति मित्रता की कहानी के अलावा भाई भाई के प्रेम की भी कथा है। श्री राम पिता का वन पूरा करने, माता सीता पति का साथ देने के लिए, जबकि लक्ष्मण बड़े भाई के प्रेम में 14 साल उनके साथ जंगलों में रहे थे। लक्ष्मण को इसी कारण गुड़ा केस यानी नींद का स्वामी भी कहते हैं। 14 साल तक वे सोने के बजाय राम सीता की झोपड़ी के बाहर पहरा देते थे। अपनी इसी खासियत के कारण लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के उस पुत्र मेघनाथ का वध कर पाए थे, जिसे ब्रह्मा जी ने अजय होने का वरदान दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अयोध्या से राम सीता संग वनवास पर रवाना होने से पहले लक्ष्मण ने निद्रा देवी की प्रार्थना की थी। निद्रा देवी से लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यानी 14 साल तक एक भी पल नहीं सोने का वरदान मांगा था, ताकि वे राम सीता के प्रहरी बन सके। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को एक शर्त पर यह वरदान दिया था कि बदले में उनकी पत्नी उर्मिला 14 साल तक अयोध्या के राजभवन में लगातार सोती रहेगी। निद्रा देवी ने शर्त रखी कि रात में उर्मिला अपनी नींद सोएगी और दिन में वे लक्ष्मण के हिस्से की नींद पूरी करेगी, बदले में लक्ष्मण जागते रहेंगे। लक्ष्मण ने यह शर्त मान ली और वे 14 वर्ष तक जागते रहे थे। इसी खासियत के कारण वे लंका युद्ध में मेघनाथ का वध करने में सफल रहे। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को अमरता का वरदान देने के बजाय वे वरदान दिया था उसे वही इंसान मार सकेगा जो 14 साल तक एक पल भी नहीं सोया हो। मेघनाथ ने यह वरदान स्वीकार कर लिया था और इसी कारण अजय होने के बावजूद मेघनाथ को लक्ष्मण के तीर का निशाना बनना पड़ा था। पौराणिक कथाओं में यह भी दावा किया जाता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में भी लक्ष्मण इसी कारण नहीं शामिल हो पाए थे। लक्ष्मण के अयोध्या पहुँचते ही उनका वरदान खत्म हो गया था और उन्हें नींद आ गई थी। राज्याभिषेक के समय वे राजमहल में नींद में डूब गए थे। ये पूरी जानकारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं व आस्थाओं पर आधारित है, इसकी सत्यता की पुष्टि हिस्ट्री ज्ञान अपडेट नहीं करता है।